हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप भी आप रेफर अर्न करके पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, तब बेहतरीन मौका है। अपस्टॉक से आप रेफर कीजिए अपने फैमिली में दोस्तों, 400 रुपये आपको अभी मिलेगा दोस्तों। लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे, आप कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक हम दे देंगे अपस्टॉक का, वहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए तो हमको भी 400 रुपया मिलेगा और आपको भी दोस्तों। अपस्टॉक अकाउंट बिल्कुल फ्री है, ऐप को ओपन हम कर लेंगे। देखिए यहाँ कहता है लॉग इन और क्रिएट न्यू अकाउंट, तो हमको अभी अकाउंट नया क्रिएट करना है, तो क्रिएट ए न्यू के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ब्राउजर में ले जाता है और यहाँ आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगेगा, तो ईमेल एड्रेस के जगह पर आप जो ईमेल एड्रेस देना चाहते हो वो दे देंगे और मोबाइल नंबर जो देना चाहते हो वो दे देंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हम ऊपर ईमेल आईडी और नीचे मोबाइल नंबर लिख करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये बोला है कि आपके ये मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, अब वेरीफाई कर लीजिए। देखिए हमें अपस्टॉक की तरफ से ओटीपी आ गया, ये यहाँ ओटीपी हम लिखेंगे दोस्तों। ये हम ओटीपी देने के बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए हम ओटीपी सही दे चुके हैं, तो ये आपको बोल रहा है जो यहाँ ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी भेजने के लिए, ईमेल आईडी दे दिया गया है, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ये हम हमारा मोबाइल नंबर वाला ओटीपी वेरीफाई कर लिया है, अब ईमेल आईडी वाला ओटीपी वेरीफाई करेगा दोस्तों। ओटीपी देने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए आपको बता रहा पूछा जा रहा है कि आधार कार्ड और जो पैन कार्ड का फोटो खींच कर भेजने के लिए और आधार कार्ड का, तो यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास मोबाइल में है, यहाँ पिन नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पिन नंबर दे करके नीचे डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हम पिन नंबर ऊपर दे दिए और ईमेल आईडी दे दिए। देखिए ये बता रहा है आप 100% सिक्योर है, आपको ये जो हमारा गवर्नमेंट अलाउ करता है ये ऐप को परमिशन देता है कि आप ये वेरिफिकेशन ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये ऊपर हमारा नाम दे दिया गया है और नीचे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, जैसे आप मेल है फीमेल है, मेल हैं आप सिंगल है कि मैरिड, हम सिंगल हैं, आप कितना लाख रुपया प्रत्येक सालियाना आपका इनकम है, तो 1,00,000 रुपया हम दे देते हैं, आपका एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग में तो 1,000 दे देते हैं, यहाँ कुछ पेन कार्ड में जो आपका फादर का नाम है वो देना है, और यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा माने काम कर रहे हैं, तो हम पापा के नाम यहाँ दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ टर्म कंडीशन पढ़ लेना है, फिर आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। फिर ये कहता है कि आप आई गेट स्टॉक माने 0 रुपया लगाना चाहते हैं, यहाँ आपको बोला है साइन करने के लिए, अब साइन यहाँ पर करिए डिजिटली साइन। यहाँ से अगर ये साइन आपको ठीक से नहीं हो पाया तो नीचे वाला पर क्लिक करके फिर से साइन कर लीजिए। साइन करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये डिजी लॉकर ऐप है, आप जानते होंगे जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई है डिजी लॉकर ऐप, वहाँ पर रिडायरेक्ट आपको करेंगे, तो कंटिन्यू विथ डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। ये इसे डिजी लॉकर ऐप जो बहुत गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई किया हुआ डॉक्यूमेंट के लिए स्पेशल बनाया गया है, यहाँ आधार कार्ड नंबर देना है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, आधार कार्ड नंबर देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पर, यहाँ ओटीपी फिल करना है। देखिए दोस्तों, हमें ओटीपी आ गया है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ फिर पेस्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ ओटीपी देने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ अलाउ के बटन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है वेरिफिकेशन जो डिजी लॉकर से हुआ है वो वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ जो परमिशन कैमरा बोला जा रहा है कि आपको सेल्फी लेने के लिए, तब कैमरा के अलाउ कर देंगे दोस्तों। हम फोटो खींच चुके हैं, फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ अकाउंट डिटेल्स, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जा रहा है, यहाँ अकाउंट होल्डर नेम देना है जो आपका नाम हो, आप घर के किसी भी फैमिली के नाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ IFSC कोड जो आपका देना है बैंक का, नीचे बैंक अकाउंट नंबर देना है, रिसेंट बैंक अकाउंट नंबर माने ऊपर जो बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं नीचे भी देना, वही
हम दे देते हैं, हर एक चीज़ फिल कर लेते हैं दोस्तों। हम बैंक अकाउंट नंबर देने के बाद देखिए नीचे पूछा जा रहा है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो हम सेविंग अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा बैंक अकाउंट डिटेल से मांग लिया गया, साइन अप फॉर फ्री इस पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लेंगे। और फिर ये आपको देखिए हम बताया जा रहा है कि क्या क्या लेंगे अगर हम साइन अप फ्री आप करना चाहते हैं तो, फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेंगे, हमारा अकाउंट पर एक रुपया भेज दिया गया है कन्फर्मेशन के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ आधार के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोडिंग हो रहा है, 2% हो गया, कम से कम 2 मिनट लगेगा, ये आपको बता दिया जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमको हो चुका था, इसी नाम पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ऊपर नाम दे दिया गया है और नीचे हमको सेलेक्ट ई साइन पर क्लिक करके आई हैव ए कंटिन्यू फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेंगे। देखिए अपस्टॉक में आइए हमको अब NSDL के वेबसाइट पर रेफर कर देगा, यहाँ आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद टर्म एंड कंडीशन के एक्सेप्ट करके सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ OTP फिल कर देना जो आपके आधार नंबर पर रजिस्टर्ड आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो नंबर पर आपको OTP भेजा जाएगा। OTP दोस्तों यहाँ फिल कर लेना है, फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों क्लिक हेयर डाउनलोड सिग्नेचर के बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा जो वेरीफिकेशन हो चुका है। यहाँ ओपन के बटन पर क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं, सेकेंड स्टेप में चले आए। देखिए दोस्तों हम अकाउंट इसी प्रकार बन चुका है, बोला है कि 3 डे वेरीफिकेशन एंड ओपन योर अप स्टेप अकाउंट, ये दोस्तों 3 दिन लग सकता है दोस्तों। ये आपको हम प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं कि किस प्रकार अकाउंट ओपनिंग करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपका जो साइनअप हो चुका है आपको ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा आपको ईमेल पर।